सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि नेहा शर्मा जो कि उत्तराखंड से है, उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। उन्होंने ऐसा बोला था कि उन्होंने 2-3 साड़ियाँ बनाई थी, तो स्पेशली नेहा जी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने जो मुझे अपनी साड़ी की पिक्स भेजी थी बहुत अच्छी आपने बनाई थी, लेकिन आपने जो लैस लगाया था वो आपने परफेक्ट नहीं लगाया था, जिस वजह से आपकी साड़ी जो खींची खींची सी चिकन चिकन सी आ रही थी। तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप जब लैस लगाते हो तो एक साइड से खींचना है और एक साइड से, जैसे कि मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ, ये साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली मैंने इसे अपने हाथों से ही बनाया है और ये लैस भी मैंने, देख रहे हैं आप कितना ज्यादा, आप ये देख रहे हैं आप, एकदम जरा से भी कहीं सिकन नहीं है। अभी फिलहाल ये इनकम्प्लीट है, अभी यहाँ पे एक लैस और लगाना है और एक लैस ऊपर भी लगाना है। तो इस तरीके से आपको लैस लगाना है। तो लैस, अगर आपको लैस का वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए लैस के वीडियोस अपलोडिंग कर दूंगी कि किस तरीके से आपको लैस लगाना है। एंड देन गाइस, कि आपका ये क्वेश्चन था कि जो आपने साड़ी बनाई है हाफ एंड हाफ साड़ी में कितना मीटर हमें कपड़ा यूज करना है, तो मैं आपको बता दूं या अपने सभी व्यूवर्स के लिए बता दूं कि जब भी हम हाफ एंड हाफ साड़ीज बनाते हैं, हमें नीचे का जो हमें रखना है, अपने जो यहाँ पे हमने स्कर्ट बनाते हैं हाफ एंड हाफ, वो मैं जो रखती हूँ, एक जो मिनिमम होता है वो 3.5 मीटर का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमको नीचे का जो हमारा स्कर्ट होता है, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर हमें प्लीट, एक्स्ट्रा प्लीट्स रखने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा नीचे का प्लीट्स ज्यादा हो, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है अगर प्लीट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ज्यादा प्लीट्स वाली साड़ी पसंद है, तो गाइज मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कि आप अगर आप घर पे साड़ियां बना रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, क्योंकि मार्केट में जो साड़ियां परचेज करने जाते हैं वो कट में मिलती हैं। एक तो ऑटो कट होता है और दूसरा जो होता है आप अपने हिसाब से कट करवाते हैं कि हमें कितनी लेंथ रखनी है, तो आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं, जस्ट लाइक कि 3.5 मीटर का या 3.25 मीटर का या 3 मीटर रख सकते हैं, बहुत पतले हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप जो साड़ी रखने वाले हो, आप नीचे का जो है 3.5 मीटर रखना है, और ऊपर की जो, ऊपर की बात करूं तो जो मेरी हाइट है, आपकी हाइट अगर आप लंबे हैं तो आप ज्यादा रख सकते हैं, बट जो मेरी हाइट है वो है 2.25 मीटर की है या 2.5 मीटर की है। तो 2.5 मीटर का हम तब लेते हैं जो हमारा नीचे वाला पल्लू आला, जैसे कि मैं आपको पिक में दिखा रही हूँ, इस तरीके से यहां से लेते हैं, तो हमारा जो 2.5 मीटर का आता है, अगर आपकी लेंथ बहुत ज्यादा, हाइट आपकी बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से नीचे का 3.5 मीटर और ऊपर का 2.5 मीटर या फिर 2.5 से ज्यादा हो सकता है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हमें साड़ी की टोटल लेंथ कितनी रखनी है। तो गाइस, अगर आप जब भी साड़ी बनाने जाते हैं, हाफ एंड हाफ बनाते हैं, तो आपको 3.5 और 2.5 रखनी है, और हाइट आपकी बहुत ज्यादा है और नीचे की लेंथ आपको ज्यादा चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रख सकते हैं, नो इशू। आई होप गाइस कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चुप।